Hello and welcome back to Mechanical Wing. In this lecture, we are going to start with Carnot cycle and Carnot theorem. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कार्नोट साइकिल. अ साइकिल इज सेड टू बी रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल व्हेन ईच प्रोसेस इन साइक्लिक रिवर्सेबल. ऐसे साइकिल को हम रिवर्स कार्नोट साइकिल कहेंगे जिसका सभी प्रोसेस रिवर्सेबल हो. तो अब हम कार्नोट साइकिल को पीवी डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं. ये है पीवी डायग्राम. यहाँ पे सबसे पहले हम कार्नोट साइकिल को ड्रॉ कर लेते हैं. ये है कार्नोट साइकिल जिसमें चार प्रोसेस हैं और ये चारों प्रोसेस रिवर्सेबल है. इसमें प्रोसेस हो रहा है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1. प्रोसेस 2 to 3 में हीट का एडिशन हो रहा है और प्रोसेस 4 to 1 में हीट का रिजेक्शन हो रहा है. अब हम डिस्कस करते हैं इसमें कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है. ओके, मैंने आप लोगों को पीवी डायग्राम ड्रॉ करना सिखाया था लेक्चर नंबर 3 में. तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि पीवी डायग्राम पे किसी पॉइंट से दो कर्व ड्रॉ करते हैं तो जिस कर्व का स्लोप ज़्यादा होता है वो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस और जिस कर्व का स्लोप कम होता है वो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस. आइडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप ज़्यादा क्यों होता है आइसोथर्मल प्रोसेस से, ये भी मैंने वहाँ पे प्रूफ किया था. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस 1 to 2 एंड 2 to 3, जिसमें 1 to 2 प्रोसेस का स्लोप ज़्यादा है और 2 to 3 प्रोसेस का स्लोप कम है. सो 1 to 2 प्रोसेस हो जाएगा आइडियाबेटिक प्रोसेस एंड 2 to 3 हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस. और जब हम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है. वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है मतलब ये कंप्रेशन प्रोसेस है. सो 1 से 2 को हम लिख सकते हैं रिवर्सेबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस. नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है 2 to 3. 2 to 3 हो जाएगा हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस और यहाँ पर हम हीट का एडिशन भी कर रहे हैं. जब हम स्टेट 2 से स्टेट 3 पे जाते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है. सो 2 to 3 प्रोसेस हो जाएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन हीट एडिशन प्रोसेस. अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है 3 to 4. 3 to 4 हो जाएगा हमारे पास रिवर्सेबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस. जब हम स्टेट 3 से स्टेट 4 पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है मतलब वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है. सो इसको हम कहेंगे रिवर्सेबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस. नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा 4 to 1. तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन हीट रिजेक्शन प्रोसेस. प्रोसेस 4 to 1 में हीट रिजेक्ट कर रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट 4 से हम स्टेट 1 पे जाते हैं तो ये वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है मतलब ये कंप्रेस हो रहा है. सो इसको हमने कहा आइसोथर्मल कंप्रेशन हीट रिजेक्शन प्रोसेस. हमारे पास जितना भी साइकिल है पूरे थर्मल साइंस में उन सभी में कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है, बट कार्नोट साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. अब आप लोग के मन में दो क्वेश्चन चल रहा होगा. फर्स्ट क्वेश्चन ये कि कार्नोट साइकिल पॉसिबल क्यों नहीं है और सेकंड क्वेश्चन ये कि जब कार्नोट साइकिल पॉसिबल नहीं है तो फिर हम स्टडी क्यों करते हैं इसका. तो सबसे पहले आप लोग को हम ये बताते हैं कि कार्नोट साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है. कार्नोट साइकिल में 2 एडियाबेटिक प्रोसेस और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और ये चारों प्रोसेस रिवर्सेबल है. ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है हीट इंट्रैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज इक्वल टू 0. डैट मीन्स नो हीट इंट्रैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. और हीट ट्रांसफर 0 कब होगा, जब प्रोसेस बहुत ही फास्ट होगा. यदि हम पिस्टन सिलेंडर की बात करें
तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस तभी होगा जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर काफ़ी फास्ट मूव करे फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर या फिर बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर काफ़ी फास्ट मूव करेगा तभी जा कर के ये एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। ओके, और इसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस भी है, और आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और कोई भी प्रोसेस आइसोथर्मल तभी होगा जब वो काफ़ी स्लोली मूव करेगा। यदि हम पिस्टन सिलेंडर की बात करें तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस तभी होगा जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर काफ़ी स्लोली मूव करे टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर या फिर बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। तो यहाँ से हमें यही पता चला कि जब पिस्टन फास्टली रेसिप्रोकेट करेगा सिलेंडर के अंदर तब जाके वो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, और जब पिस्टन स्लोली रेसिप्रोकेट करेगा सिलेंडर के अंदर तब जाके ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, जो कि एक साइकिल के दौरान इम्पॉसिबल है। एक साइकिल के दौरान जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर फास्ट रेसिप्रोकेट करेगा तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, और जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर स्लोली रेसिप्रोकेट करेगा तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। बट ये दोनों प्रोसेस एक साइकिल के दौरान पॉसिबल नहीं है। एक साइकिल के दौरान एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं हो पाएगा, और यदि आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं हो पाएगा, बिकॉज एक प्रोसेस फास्ट होना चाहिए और दूसरा स्लो, जो कि एक साइकिल के दौरान पॉसिबल नहीं है। सो यही रीज़न है कि कार्नोट साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है कि हम कार्नोट साइकिल का स्टडी क्यों करते हैं जब ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर यह होगा कि कार्नोट साइकिल का हम स्टडी करते हैं दूसरों साइकिल के साथ कंपैरिजन करने के लिए। कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है। दूसरे साइकिल के एफिशिएंसी को हम कार्नोट साइकिल के एफिशिएंसी से कंपैरिजन करते हैं और वहाँ से ये पता लगाते हैं उस साइकिल के एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल के एफिशिएंसी के कितना पास है। किसी साइकिल का एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल के एफिशिएंसी के जितना पास होगा वो साइकिल उतना बेस्ट होगा। और कार्नोट साइकिल जो होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ गैस साइकिल, और यहाँ पे कोई फेज चेंज नहीं होता है, और नॉर्मली हमने यहाँ पे देखा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। और हम जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, और जब इसमें हम इंसुलेशन या फिर आइसोलेशन ऐड करते हैं तो ये प्रोसेस स्लो हो जाता है। जब हम एडियाबेटिक प्रोसेस में इंसुलेशन या फिर आइसोलेशन का यूज़ करते हैं तो ये प्रोसेस स्लो हो जाता है, और आइसोथर्मल प्रोसेस तो पहले से स्लो है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों प्रोसेस स्लो हो गया और इस टाइप का साइकिल पॉसिबल है। वैसे तो आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो होता है, बट एक जगह ये बहुत फास्ट होता है, कहाँ, जहाँ फेज चेंज होता है। बट कार्नोट साइकिल इज़ द टाइप ऑफ गैस साइकिल, और यहाँ पे कोई फेज चेंज नहीं होता है, सो आइसोथर्मल प्रोसेस डेफिनेटली यहाँ पे स्लो होगा। ओके, तो ये था हमारा ओवरऑल कार्नोट साइकिल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्नोट थ्योरम। अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम, फोर वेरियस इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट्स, नन हैज़ एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन रिवर्सेबल इंजन एफिशिएंसी। यदि हमारे पास बहुत सारा इंजन है और वो सभी इंजन सेम टेम्परेचर लिमिट पे ऑपरेट हो रहा है तो रिवर्सेबल इंजन का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगा। सेम टेम्परेचर लिमिट्स का मतलब है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर सभी इंजन के लिए सेम होना चाहिए और लो टेम्परेचर रिजर्वायर सभी इंजन के लिए सेम होना चाहिए। नाउ लेट्स अस कंसीडर टू इंजन E1 एंड E2, जहाँ पे E1 रिवर्सेबल इंजन है और E2 इरिवर्सेबल इंजन है।
हमने यहाँ पे दो इंजन कंसीडर किया है, इंजन E1 एंड E2, जहाँ पे E1 रिवर्सेबल इंजन है और E2 इरिवर्सेबल इंजन है, और यहाँ पे दोनों इंजन का टेम्परेचर लिमिट सेम है, मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वर दोनों इंजन के लिए सेम है और लो टेम्परेचर रिजर्वर दोनों इंजन के लिए सेम है। ओके, हाई टेम्परेचर रिजर्वर से इंजन E1 में हम Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं, यहाँ से हमें W1 वर्क मिलता है और रेस्ट हीट रिजेक्ट हो जाता है सराउंडिंग में। इंजन E2 में भी हम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं और यहाँ से हमें W2 वर्क मिलता है और रेस्ट हीट सराउंडिंग में रिजेक्ट हो जाता है। इस दोनों इंजन में हमने हीट सप्लाई किया है Q1, क्योंकि इस दोनों इंजन का हाई टेम्परेचर रिजर्वायर सेम है, बट एक इंजन रिवर्सेबल है और दूसरा इरिवर्सेबल है, सो दोनों के वर्क में डिफरेंस है, और जब वर्क में डिफरेंस होगा तो दोनों का हीट रिजेक्शन भी डिफरेंट होगा। सो रिवर्सेबल इंजन में Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रहा है और इरिवर्सेबल इंजन में Q3 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रहा है। ओके, तो चलिए अब हम कार्नोट थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो कार्नोट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें तो पता है कि रिवर्सेबल इंजन का एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होता है इरिवर्सेबल इंजन के एफिशिएंसी से। यहाँ पे हम इसके उल्टा मान लेते हैं और इसको हम गलत प्रूफ कर देते हैं। हम जानते हैं कि रिवर्सेबल इंजन का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है इरिवर्सेबल इंजन के एफिशिएंसी से, बट यहाँ पे हम इसको उल्टा मान लेते हैं और इसको हम गलत प्रूफ कर देते हैं, तो हमारा कार्नोट थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सेबल इंजन इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सेबल इंजन। ये गलत है, यदि हम इसको गलत प्रूफ कर दें तो हमारा कार्नोट थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से हमें फाइंड करना होगा एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सेबल इंजन एंड एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सेबल इंजन। तो हम जानते हैं एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सेबल इंजन क्या होता है, ये E2 हमारा इरिवर्सेबल इंजन है और इसका एफिशिएंसी क्या होता है, तो ये होता है वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। इरिवर्सेबल इंजन का वर्क डन W2 है और यहाँ पे हीट सप्लाइड हम कर रहे हैं Q1, तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा W2 डिवाइड बाय Q1। अब यहाँ पे हम देखेंगे एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सेबल इंजन, E1 हमारा यहाँ पे रिवर्सेबल इंजन है और रिवर्सेबल इंजन का एफिशिएंसी कितना होता है, तो ये होता है वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड, तो इसका हो जाएगा वर्क डन W1 और हीट सप्लाइड Q1, तो ये हो जाएगा W1 डिवाइड बाय Q1। अब हमने यहाँ पे माना है कि एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सेबल इंजन इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सेबल इंजन। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे एफिशिएंसी का, तो ये हो जाएगा W2 डिवाइड बाय Q1 इज ग्रेटर देन W1 डिवाइड बाय Q1। तो यहाँ से Q1 और Q1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा W2 इज ग्रेटर देन W1। हमने यहाँ पे माना कि एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सेबल इंजन इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सेबल इंजन। फिर उसके बाद हमने रिवर्सेबल इंजन और इरिवर्सेबल इंजन का एफिशिएंसी का वैल्यू यहाँ पे पुट किए, तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिला कि W2 इज ग्रेटर देन W1, मतलब वर्क डन ऑफ इरिवर्सेबल इंजन इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ रिवर्सेबल इंजन। ओके, ये इंजन E1 रिवर्सेबल इंजन है, सो इंजन E1 को हम रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्सेबल प्रोसेस होता है, अ प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सेबल प्रोसेस, इट इज रिवर्स्ड फॉलो द सेम पाथ विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो जब हम रिवर्सेबल इंजन को जस्ट रिवर्स करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास इंजन E1 है, ये इंजन E2 है और ये है लो टेम्परेचर रिजर्वायर। इंजन E1 रिवर्सेबल इंजन है, सो इसका हम साइन चेंज कर देंगे, मतलब इस इंजन को हम रिवर्स कर देंगे।
अब हम इंजन E1 पे W1 अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे, तो ये E1 इंजन क्या करेगा कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर से Q2 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा और इसको सराउंडिंग में रिजेक्ट करेगा। इंजन E1 जो सराउंडिंग में Q1 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहा है, इसी हीट को हमने इंजन E2 में सप्लाई कर दिया। और जब हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट इंजन E2 को सप्लाई किया, तो यहाँ से हमें W2 वर्क मिला और रेस्ट हीट सराउंडिंग में रिजेक्ट हो गया। ओके, और प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि W2 इज़ ग्रेटर देन W1, W2 बड़ा था W1 से। सो यहाँ पे नेटवर्क यदि हम लिखना चाहें तो नेटवर्क इज इक्वल टू W2 माइनस W1 हो जाएगा, क्योंकि W2 बड़ा है और W1 छोटा है। सो यहाँ से हमें नेटवर्क आउटपुट भी मिलेगा। बट दिस इज द वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक साहब ने कहा था कि ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो सिंगल टेम्परेचर रिजर्वायर के साथ हीट एक्सचेंज करके हमें वर्क डन दे। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही टेम्परेचर रिजर्वायर है, और जब यहाँ से हीट एक्सचेंज किया गया तो यहाँ पे हमें नेटवर्क आउटपुट भी मिला। यदि सिंगल टेम्परेचर रिजर्वायर के साथ हीट एक्सचेंज करने के बाद हमें W आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ न कुछ रॉन्ग है। तो आखिर यहाँ पे रॉन्ग क्या है? तो यहाँ पे वही रॉन्ग है जो हमने स्टार्टिंग में माना था। एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन इज़ ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन, ये हमने स्टार्टिंग में माना था, यही हमारा रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पे राइट क्या है? तो यहाँ पे राइट है कि एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन व्हेन ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। यदि हमारे पास रिवर्सिबल इंजन है और इरिवर्सिबल इंजन है और यहाँ का टेम्परेचर लिमिट सेम है, तो एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन हमेशा ज़्यादा होगा एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन से। ओके, दिस इज द कार्नोट थ्योरम। तो ये था हमारा ओवरऑल कार्नोट थ्योरम। अब हम डिस्कस करते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट कार्नोट थ्योरम। तो फर्स्ट पॉइंट इसका है, एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल साइकिल इज इक्वल इफ दे ऑपरेट सेम टेम्परेचर लिमिट। सभी रिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी इक्वल होगा जब इसका टेम्परेचर लिमिट सेम होगा। और इसका सेकेंड पॉइंट है, एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल साइकिल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूड। रिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी वर्किंग फ्लूड पे डिपेंड नहीं करता है। इसका लास्ट पॉइंट है, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर लिमिट्स। रिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करता है, वर्किंग फ्लूड पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।